कम ये आधे दिन का सफ़र है और ये अगर हो गया शाम से पहले पहले हमारा सफ़र ख़त्म तो कल सुबह फिर वहाँ से हम घोड़ों के पीछे की ओर। फिर सफ़र आसान है, मुश्किल नहीं है, जंगल वाला रास्ता, बड़े बड़े यहाँ पे पता नहीं बूटे हैं या क्या है, पेड़ हैं, लेकिन चलो जोड़ा कुछ भी है, जाना तो है। ये हमारी टीम है जो जा रही है आगे आगे, सामान उठाने से कासर भी हो रही है। तो चढ़ते हैं भैया, ये है तुरगुत लकड़ा आ रहा हमारा। यहाँ से वीर गली का रास्ता सिर्फ 10 किलोमीटर है, ये कोई टारा भी दिख रहा है आगे, लेकिन रुकना नहीं है, जंगल है। दसो जी इस चीज के बारे में ये मसला इधर शेयर शेयर बीच में
दुआ करिए आए रास्ते में यहाँ के कुछ लोकल बंदे हैं, इन्होंने हमें लस्सी पिलाई। बहुत शुक्रिया, हमने यहाँ बहुत अच्छी लस्सी पी, ठंडी ठंडी काफी जड़ी वाली, जड़ी बूटियों वाली। हम चाहते हैं यहाँ पे जड़ी मिल जाए, जड़ी मिल जाए, सो जाए और सुबह उठे। वहाँ की तरह पापा जाएगा। तीसरा दिन है हमारा सफर में, छह बज चुके हैं। तो अभी अभी बहुत दूर सामने कोई बंदा ना बंदे की साथ कोई नहीं। हाल हमारा, सामान देखो, और हमारे कुछ साथी जिनकी बस हो चुकी है वो बहुत दूर रह गए हैं, वो नीचे देखे जरा कहाँ पे, जो आने का नाम नहीं ले रहे, शाम के 7 बजने वाले हैं। साढ़े 7 हो चुके हैं शाम के, और रास्ता हाथ से ज़्यादा जितना सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो देखिए बीच में रास्ते में बर्फ़ जमी हुई है, तो उनके नीचे से पानी बहता है सरों का, तो ये पार करने तो मेरा पड़ने से पहले पहले, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर बड़ी मुश्किल के साथ मुश्किल रास्ता खत्म, ये है पहला हिल पीर पंजाल का, और वो हमने पीछे छोड़ दिए काफी रास्ते नीचे की ओर हमारे लेफ्ट में, और वो कश्मीर की रोड है पार, ये श्रीनगर की रोड है जो लेह लद्दाख जाती है, पीर गली वो है, और आगे हमारा सर पर थोड़ा सा बच गया, तो बाकी बूटी चढ़ रही है धीरे धीरे, बहुत दूर से तभी कहाँ से। बहुत मुश्किल रास्ता है यहाँ पे, और जड़ी चढ़ी हुई है हमें, असर जड़ी का प्याज भी खाया है लेकिन असर कुछ नहीं, उल्टा सांस फूल गई और सारा कुछ। अब ये रास्ता देख लो कितना बुरा है, यहाँ से क्या होता है भैया, हमारी माने तो भूल जाओ ट्रैकिंग और भूल जाओ पीर पंजाल, और रुक जा
अगर हम यहाँ से गिरे तो इनसे स्लिप हुए तो वहाँ तक तो हम रहेंगे नहीं, और फिर यहाँ से सीधा ये बर्फ नालों में चली जाती जहाँ से हम आए। तो बहुत ही मुश्किल रास्ता है आगे, बस थोड़ा ही बचा लेकिन मुश्किल बहुत है। रात के 8:30 हो चुके हैं और हम यहाँ के कुछ लोकल लोगों से मिल चुके हैं। क्या हाल है? और कहते हैं हर मुश्किल के साथ आसानी है। फाइनली पूरे दिन के सफर के बाद हम आए हैं यहाँ पे, पहुँचे हैं। अभी अंधेरा है तो बाकी के हम कल दिखाएंगे आपको। सारा अभी के लिए अल्लाह आज हम हैं आज हम पंचतारणी पहुंच चुके हैं, जो कि हमारी मंजिल का आखिरी ठिकाना था। यहां से हम अपने सैर करने, ये हमने चूल्हा बनाया यहां पे, ये है हमारा चेहरा, तो दिखाई नहीं दे रहा, चलो कल ही आज के लिए बहुत है। अल्लाह, ओके, बाय बाय, ठीक है।